हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 40। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो डे 40 के क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको डे 39 के होमवर्क का आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। इसका आंसर है सी, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन 4। ओके, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, आपको सॉल्व करके मज़ा आ गया होगा। अब चलते हैं अपने डे 40 पे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो आप लोग देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज 15। एक्स कॉम वाई का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एक्स वाई का, वो है 15। ठीक है, तो देखो एक्स वाई का अगर 15 है, तो अगर हम एक्स और वाई को 15 15 ले लें, तो भी तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 15। या फिर हम कुछ और भी ले सकते, सपोज वन को 15 ले लिए, सेकंड को 30 ले लिए, तो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा। 15 से अगर आप तोड़ोगे तो 3 × 5 है ना, 30 को आप तोड़ोगे तो 3 × 5 × 2। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन है वो 3 आ जाएगा, 5 कॉमन है 5 आ जाएगा, 3 × 5 में दैट मीन्स 15। तो आप लोग एक्स और वाई को या तो 15 15 ले लो, या 15 30 ले लो, समथिंग ऐसा ले लो कि आपका एलसीएम, ओ सॉरी एससीएफ आपका 15 आए। ये कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। ओके, सो हम यहाँ पर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू भी 15 है और वाई इक्वल टू 15 है। क्वेश्चन को सिंपल तरीके सॉल्व करने के लिए एक्स बराबर 15 ले लिया हमने और वाई इक्वल टू 15 ले लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एस सी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमने कंक्लूड करा क्या, एक्स इक्वल टू हमारा 15 आ जाएगा, वाई इक्वल टू 15 आ जाएगा। हमेशा सिंपल रखा करो चीज़ों को, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड मत करा करो कि ये क्वेश्चन देख के ही डर जाओ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपका दिया 36x², देन आपसे पूछा क्या, एस सी एफ ऑफ 36x² माइनस 81y² कॉमा कॉमा 81x² माइनस 9y², 81x² माइनस 9y². ठीक है, एक चीज आप कर सकते हो कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हमारे यहाँ पे 15 है ना, जिस टाइप से बता देता हूँ आपको, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 15 है, तो जो y वाली टर्म है उसको x में लिख लो, या फिर एक्स वाई टर्म को y में लिख लो। तो एक बार आप ऐसा करो, एस सी एफ ऑफ 36x² माइनस 81x² कॉमा 81x² माइनस 9x². ओके, सो इट इज क्लियर एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ आपको क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हम निकालते हैं, इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इस वाली टर्म में क्या कॉमन आ सकता है आपका, और सिमिलरली इस वाली टर्म से आपका क्या कॉमन आ सकता है। इस वाली टर्म से आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ओके, देन इस वाली से हमारा क्या आएगा, 9 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 9 9 9 36 9 81 और एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, तो यहाँ से भी 9x² आ जाएगा। तो एक चीज मैं आपको अगर बताता हूँ कि आप सोचोगे कि 9 क्यों आ रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि 36, 81 का एस सी एफ निकाल लो, यहाँ पे 81, 9 का एस सी एफ निकालो आप। इसका तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका तो 9 ही हो जाएगा, क्लियरली नहीं दिख रहा है क्या, 3 की पावर 4। ठीक है, 3² तो जो आपका कॉमन है उसमें भी मिनिमम आपको लेना है, तो 3² हो गया। ये क्लियर हो गया। ओके, 2 18 है, 9 तो आपका क्या हो जाएगा, 2 and 9। ठीक है, 2² × 3² ये क्या है, 3 की पावर 4। कॉमन क्या है, जो जो कॉमन है उसमें से भी मिनिमम लेना होता है हमारे एस सी एफ के लिए, तो यहाँ से भी 3² आया।
तो 9x² फर्स्ट वाले से आया, आपका सेकंड वाले से भी 9x² आया है, ठीक है। तो एस सी एफ आपका क्या हो जाएगा, एस सी एफ आपका मतलब इस वाई टर्म से भी 9x² आया, इस वाई से भी 9x², तो आपका फाइनल एस सी एफ क्या हो जाएगा, फाइनल एस सी एफ आपका 9x² हो जाएगा, ठीक है। 9x² हो जाएगा, 9 x की वैल्यू कितनी है भाई, 15 है, 15 × 15। वो आप देखो कि ऑप्शन आपके क्या क्या है, ऑप्शन है आपका 135, 120, 180 और 90। आप डिवाइड करके देखो, देखो 135 तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 15 × 9 135 होता है, 120 आपका डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं 120 आपका बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा, और क्या है 180 और 190, सॉरी 90 ओनली, 90 डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा यार। आप देखो कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, जीरो है तो इवन चाहिए इनको लिए, तो 10 होता यहाँ पे या 2 होता समथिंग, है ना। तो आप 2 या 4 10 से डिवाइड करके देखते तो हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं हो जाएगा, और कितना 180 ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 135। ये आप पे रॉन्ग हो जाएंगे बाकी सारे ऑप्शन, क्योंकि डिवाइड नहीं करेंगे ना। आप सोचो 135 × 15 लिखा हुआ है, जैसे 120 का आप डिवाइड करोगे नहीं होगा, 90 का डिवाइड करोगे नहीं होगा, है ना, और 180 का करोगे तो भी कहाँ से डिवाइड हो रहा है, वो क्या आ रहा है, एस सी एफ ऑफ इज डिविजिबल बाई, तो किससे डिविजिबल होगा, 135 से होगा। इसका मैं एक आपको अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ, दैट वी कैन कॉल शॉर्ट मेथड समथिंग, शॉर्ट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या था कि हमारा एस सी एफ ऑफ x, y आपका था 15, ठीक है, 15 था आपका, तो यहाँ से आप लोगों ने x=y=15 लेट अज्यूम कर लिया, लेट्स कर लिया लेट अज्यूम। उसके बाद था हमारा 36x²-81y² कॉमन 81x²-9y². इसका भी हमें एस सी एफ चाहिए। तो आप लोग एक चीज यहीं से देखना कि ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बेसिकली आपको पता है कि 15 इसमें 15 इसमें 15 इसमें 15 इसमें, तो 15 यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन, 15 इसमें से भी आ जाएगा कॉमन। और आपको क्या देखना है, 9 कॉमन इसमें भी आ रहा है, 9 कॉमन इसमें भी आ रहा है, तो अगर हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है तो यह हो गया 135, खेल खत्म, आपका काम खत्म हो गया, 135 आपका आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों को एनालाइज करके मैंने बता दिया है। अब चलते हैं अपन अपने होमवर्क पे, ठीक है। होमवर्क में आई थिंक 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो एस सी एफ ऑफ इसका एस सी एफ आपको फाइंड करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी है आपके, आपको एक सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी मैंने दिया है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसको भी सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आप आराम से देख लो, ठीक है, और इसके बाद ये वाला देख लो और सॉल्व करना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, प्रिपेयर हार्ड, प्रिपेयर वेल, जय हिंद।